आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटो का इनकम क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे मेरी टोटो है, तो इस वीडियो पे आप बने रहिए और ब्लॉग पे बने रहें। हम आपको सारा डिटेल बताएंगे कि गाड़ी की कीमत क्या है, हार्ड कैश में कितने में पड़ता है, लोन में कितने में पड़ेगा आपको, और इसकी एक दिन की कमाई कितनी है, पूरे ब्लॉग में बताएंगे। तो चले रहे, वीडियो पे बने रहें। मैं थोड़ा साइड एरिया में आ गया था और आज मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसकी बैटरी की एक क्षमता होती है, एक लिमिटेड होती है। अगर आप शहर में चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब शहर के बाहर एक बुकिंग मिला, हालांकि मुझे 500 रुपये बुकिंग मिला एक ऑर्डर पे। तो चल भाई, मैंने रिक्स लिया कि साइड एरिया में भी चलते हैं, देखते हैं कि कितनी अर्निंग, मतलब अर्निंग क्या, अगर मोटा बुकिंग मिला तो बुकिंग ले लेने में फ़ायदा है। तो 500 रुपये का बुकिंग था, इस वजह से मैं इस साइड एरिया में आ गया। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको। अभी एक मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो एक नहीं है, ड्राइव करते हुए वीडियो बनाना ये थोड़ा रिक्सी हो जाता है, बट खाली रोड है, हाईवे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड में होके चल रहा हूँ। ये देखो आप, पूरा जो रोड आप देखोगे ना, पूरा सुनसान रोड है, पूरा साइड सुनसान रोड है। ये देखो, तो मैं आपको फ्रंट के बैक कैमरा से दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बबली टी स्टॉल दिख रहा, और पूरा नजारा जो आप देखेंगे ना, ये देखिए पूरा साइड एरिया है। हालांकि साइड एरिया में बहुत कम लोग ही टोटो लेके आते हैं, अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई तो फिर आप फंस जाओगे, पूरी फंस जाओगे, फिर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे या घर से चार्जर लाना होगा और किसी दुकान पे रुक कर इसे चार्ज करना होगा। चार्ज करने में भी आपका 4-5 घंटे का समय चला जाएगा और टाइम तो बर्बाद होगा ही, या फिर आपका घर 20 किलोमीटर दूर पे है तो फिर आपको टोइंग करना पड़ेगा, आप इसे टोइंग करके ले जाएंगे या दूसरे गाड़ी पे ले जाएंगे ढोके, तो भैया जितना कमाएंगे नहीं उतना खर्चा तो आपका चला जाएगा। इस वजह से कोई भी टोटो ड्राइवर काफ़ी सोच समझ के ही आता है साइड एरिया में। अभी देखो वहाँ पे तीन दिख रहा, रेड और एक किलो दिख रहा। जब मैं इधर से जा रहा था पैसेंजर को छोड़ने के लिए, तो तकरीबन वो दो पे आ गया था, दो पॉइंट पे आ गया था, क्योंकि जब सवारी भरा हुआ रहता है या फिर माल भरा हुआ रहता है तो माइलेज कम हो जाता है। अब मैं इधर से खाली ही जा रहा हूँ, मुझे अगर पैसेंजर मिल भी जाएगा तो मैं पैसेंजर को बैठाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे जाना है अभी घर, और पैसेंजर को बैठाया तो माइलेज हो जाएगा पूरा कम, और पूरा माइलेज कम हुआ तो भैया मुश्किल हो जाएगा घर तक भी पहुँचना। इस वजह से खाली खाली ही हम लोग जाएंगे। हाँ, खाली खाली में इतना श्योर तो है कि इसकी बैटरी डाउन नहीं होगी, सिंगल में जा रहा हूँ तो, और घर तक इजिली पहुँच जाऊँगा। हालांकि अभी जिन पैसेंजर को मैंने छोड़ा JSW Paint में, वो कुछ काम से आए थे, साउथ के लोग थे, तो रिटर्निंग उन्हें 4:30 बजे मुझे यहाँ पहुँचना है, 4:30 बजे उन्हें यहाँ से पिकअप करूँगा। ये रिंग रोड नामकुम का एरिया है, रामपुर रिंग रोड के पास ही है, तो शाम में मैं घर से निकलूँगा, 3:30 बजे निकलूँगा और यहाँ पहुँच जाऊँगा 4:30 बजे तक, फिर उन्हें पिकअप करके फिर स्टेशन छोड़ूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि टोटो में अच्छी आमदनी है, एक प्राइवेट नौकरी जो होती है आप उसको टक्कर दे सकते हैं, या फिर आपके लिंक, आपके संपर्क अच्छे हैं तो आप एक सरकारी नौकरी वाले को भी टक्कर दे सकते हैं। महानगर या टाउन में आप चलाते हैं तो अच्छी खासी इसकी अर्निंग है, अच्छी खासी अर्निंग है। आप एक एक दिन में 1500 रुपये तो आराम से कमा सकते हैं, हालांकि गाड़ी को दो बार चार्ज करना पड़ेगा आपको 1500 रुपये कमाने के लिए। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, पूरा एरिया जो है बाईपास है, बाईपास एरिया, पूरा खाली एरिया है। तो इस तरह के रोड पे या इस तरह के एरिया में जो टोटो वाले होते हैं या फिर ई रिक्शा को आप लेके नहीं आ सकते। रिक्शा होता है अगर आपका फुल चार्ज है अगर आपका गाड़ी और डायरेक्ट आप आ रहे हैं तो 60 किलोमीटर के
60 किलोमीटर तो आप श्योर आ सकते हैं। बोल के भी कब मुझे खांसी हो रही है, गला सूख जा रहा है। साइड एरिया खपिया हुआ चल रहा है, फैक्ट्री वगैरह है यहाँ पे, ये देख सकते हैं फैक्ट्री वगैरह है। अब ये भाई साहब सामने आ गया। अब मैं यहाँ पे ढलान पे एस्केलेटर नहीं ले रहा था जिससे बैटरी मेरी सेविंग होती। ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं भाई साहब आ गए हैं। इस तरह के चालक भी जो आपके सामने आ जाते हैं तो भी सोचा, और ऑटो वाले तो आपको ओवरटेक करेंगे। ये जो सवारी है ऑटो की सवारी ये लोग छीन लेते हैं, उनकी रफ्तार ज़्यादा होती है। अगर इनको अगर सवारी आगे दिखा तो ये आपको ओवरटेक करेंगे और ओवरटेक करके वो सवारी बैठा लेंगे। ये देखिए ये पूरा का पूरा हाईवे। हालांकि यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है बट फिर भी सवारी बैठाएंगे नहीं, कमाई मोटी हो गई है। एक ट्रिप में 500 रुपये आ गया है तो इसे घर जाके चार्ज कर लेते हैं। और ये ट्रिप लेने से पहले भी मैं 500 रुपये कमा चुका था, यानी कि टोटल अर्निंग जो है आज की 1000 रुपये है। और मैं निकला था सुबह 5:30 बजे निकला था और अभी शायद 10 बज रहे होंगे, 10:30 बज रहे होंगे। मतलब काफ़ी अच्छी इनकम है, 6 घंटे में अगर आप 1000 रुपये कमा ले रहे हैं तो कोई बुरी आमदनी नहीं। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं अपने टुक टुक के साथ और इस बिल्डिंग से जो भैया लोगों को सुबह ड्रॉप किया था यहाँ से हम लोग पिकअप करेंगे और यहाँ से फिर पिकअप करने के बाद रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो हालांकि इस ट्रिप के कितने पैसे हुए आप लोग चैनल पर बने रहें और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए राइड में भी मज़ा है और एक आप 10 से 15 हज़ार की नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो उससे बेहतर है ये काम। कम समय में आप नौकरी से 3 गुना, अगर आप 10,000 या 12,000 रुपये कमाते हैं तो उससे 3 गुना आप इस टोटो से कमा सकते हैं। तो यहाँ से बस जिनको मैंने ड्रॉप किया था सराची रेलवे स्टेशन से, ये रिंग रोड है रामपुर का एरिया, नामकुम रामपुर, तो यहाँ से उन्हें हम लोग रिसीव करेंगे, पिकअप करेंगे और उन्हें रांची रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। और इसका कॉस्ट होगा तकरीबन 500 रुपीज़। जी ऐसे ही सुना आपने, इधर से हमारा ड्रॉपिंग का 500, उधर से हमने जो लाया था उसमें का 500। तो देखा ना, इस तरह से काफ़ी अच्छी कमाई जो है कि टुक टुक होती है। तो ब्लॉग पे हमारे चैनल पर बने रहें, आगे वीडियो हम आपके लिए जरूर आएंगे।